पक्ष का मुकदमा न लिखने पर पीड़ित पक्ष के भाई ने आगरा एसएसपी बबलू कुमार कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। देश में मॉब लिंचिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। योगी सरकार मॉब लिंचिंग करने वालों पर लगाम कसने पर असमर्थ है। मामला थाना जगदीशपुरा का है, जहां पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गंदी मानसिकता को लेकर थाना जगदीशपुरा प्रभु टॉकीज के पास दानिशाली निवासी नौबस्ता थाना लोहा मंडी आगरा पर तकरीबन 20 लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट। आया प्रेक्टेड आए, क्या मामला है? मेरे भाई के साथ रेसिंग की गई है। जोर से मेरे भाई के साथ रेसिंग की गई है। मेरा भाई मजदूरी करने आ रहा था, वहाँ पे 2-3 दिन हुए, 2 साल से बाहर काम कर रहा था, लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहा था। वहाँ पे लक्ष्मी जगह टूट आगे इसके बराबर से मेरा भाई 2-3 दिन से मजदूरी करने आ रहा था, उसके साथ रेसिंग की गई है। जाति पाती काम के बहुत बुरी तरीके से उसे उस टाइम उसे सर्दियों से मारा, उसे बहुत सीरियस हालत है। आप देख लो सकते बहुत नहीं है, आज 4-5 दिन से। क्या नाम आपके भाई का? दानी सही। कब की घटना है? जो है 27 तारीख की। आपने किसी थाने में कंप्लेंट कराई? पूरा थाने में कंप्लेंट दी थी, मेडिकल करा दिया उसका, और क्या नाम दर्ज नहीं कर रहा, रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा, और उल्टा हमारे ऊपर ही मेरे भाई के ऊपर ही मुकदमा 354 का लगा दिया, जो उनका होश में नहीं है। हमें पता नहीं है कि लगाया कि नहीं लगाया, वो तो नहीं लगा दिया, कन्फर्म हो गया। अभी मैं साहब से सामने बात करी है, अभी आप लोग क्या नाम है आपका? जी, जो घटना हुई है आपके पड़ोस में पड़ोसियों के साथ, क्या मामला है? जी मामला है, क्या नाम है, काम करने जाते थे, हमारे लेबर भी लगते हैं, बहुत बढ़िया लड़का था, कभी नमाजी पढ़े भी था, हमारे आदमी से कहता था नमाज पढ़ने जाओ, उनके घर वाले बहुत अच्छे थे, और उनको बेचारों को क्यों मारा, कोई बात थी? किसने मारा है? ये मालूम नहीं किसने मारा, पर जिस उन्होंने मारा ही है किसी ने, हम तो बस्ती पड़ोस के थे, पर उनको मारने नहीं देता, ये देखने चाहिए कि कोई दंगल भी करना था उसकी घर शिकायत कर देते, ये मर जाते। और हमारे सब तरफ हिंदू मुसलमान हम सब भाई भाई हैं, कभी आपस में तुम्हारी कोई तकलीफ हो ही